नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों बिहार में बहार है क्योंकि नौकरियों की बौछार है। एक नई भर्ती निकल कर आई है बीपीएससी के थ्रू। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार का ऐलान किया गया था कुछ दिन पहले कि अब जो इंजीनियर के पदों की भर्ती है वो ली जाएगी बीपीएससी के थ्रू। तो यहाँ पे आगाज कर दिया गया है 2019 का पहला और दूसरा वैकेंसी निकल कर आया है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की, जो कि निकली है सिविल और इलेक्ट्रिकल। तो संपूर्ण विश्लेषण देंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाइंग डेट कब से है और कब तक है आखिरी डेट, और फीस क्या चार्ज किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये आज और अभी का न्यूज़ निकल कर आया है जो कि बीपीएससी ने जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो रुख करते हैं बिहार की तरफ और चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। दोस्तों हम चर्चा करेंगे उन सभी पोस्ट की जो कि निकली है आज बीपीएससी के तहत। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि आरआरबी और एसएससी में पूछे जाने वाले हर वो सवाल लेकर आते हैं और उसका पीडीएफ भी आपको देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा एजुकेशन के 86 को। उसके अलावा रोज सुबह की मॉर्निंग में आपको करेंट अफेयर की क्लास दी जाती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का एक और न्यूज मैंने आज ही दिया था जो कि सुबह में, वो था दोस्तों कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो मेंस का एग्जाम होने वाला था उसका भी डेट निकाला गया था। तो ये एक पुरानी वैकेंसी थी 2017 वाली, ठीक है, अब ये निकली है 2019 में इसकी वैकेंसी आज 19 मार्च को। तो चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। हम लेकर आए हैं आपको सबसे पहले गूगल पे, आपको वहां पे सर्च करना होगा बीपीएससी, और देखिए बीपीएससी का ये साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे क्लिक कीजिएगा। वैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाएगा जहां इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। ये आप आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। तो आपको यहां पे क्लिक करना है इस पोर्शन पे, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको लेकर आएगा उस रिक्रूटमेंट पेज पे जहां पे इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। थोड़ा सा नीचे आइएगा या फिर यहां पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं थोड़ा, ये देखिए ये दो पोस्ट है यहां पे दोस्तों, 01 और 02 2019, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कंपिटेटिव एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कंपिटेटिव एग्जाम। तो ये दोनों ही इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए निकली है वैकेंसी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल की, है ना। तो इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे अप्लाइंग डेट जो है, रजिस्ट्रेशन डेट आप देख रहे हैं 19 मार्च, आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आप क्लिक करते ही आज इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिनांक है वो है 2 अप्रैल, याद रखिएगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको, अप्लाइंग डेट बता दिया है, ठीक है। पेमेंट कर सकते हैं आप 5 अप्रैल तक, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है आपका 10 अप्रैल, लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन भरना होगा जिसमें आपको सारा डिटेल, अपना पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीज़ें मांगता है तो वहाँ पे आपको देना होता है। तो ये कब तक है, तो ये 10 अप्रैल तक है। तो ये दोस्तों ये खबर है, ये अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा वो, क्योंकि उनको भी जॉब मिल सके बिहार में, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही वैकेंसी जो है बहुत कम निकली है 2017 के बाद, अब निकली है जाके इसकी वैकेंसी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, 2018 वाला भी निकला था, ठीक है। तो 2018 में बहुत सीट कम थी, पर देखते हैं यहाँ पे कितनी सीटें हैं, सारी चर्चा करेंगे इसके बारे में, संपूर्ण विश्लेषण देंगे। तो इसके नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक से। जी हाँ, इस लिंक से क्लिक करके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं, अन्यथा मैंने बताया आपको कि बीपीएससी के थ्रू आप जा सकते हैं गूगल पे सर्च करके भी। तो मैंने इसको क्लिक किया है और ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने, और ये खुलकर जैसे ही आएगा ये आपके सामने आपके डाउनलोड हो चुका है।
अब हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें जो कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आमंत्रण करता है। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 से खुश हो जाइए, क्योंकि ये 2019 का पहला वैकेंसी है एई पोस्ट के लिए, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। और भवन निर्माण विभाग और एक है आपका जल संसाधन विभाग, तो ये दोनों पदों में, ये दोनों विभाग में निकली है ये भर्ती। कुल 31 पद है आपका भवन निर्माण में और 83 पोस्ट है आपके जल संसाधन में। तो ये पोस्ट निकली है दोस्तों आप सभी के लिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री लिए हुए हैं कैंडिडेट। तो दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देख लीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से AICTE अप्रूव्ड सिविल अभियंत्रण में डिग्री की अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उससे भी प्राप्त होना चाहिए। और तकनीकी पाठ्यक्रम में जो उपाधि है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, वो शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो सिविल से ही रिलेटेड हो, या तो आपका कॉलेज डिम्ड हो या तो आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन जो है आपका 5400 ग्रेड पे पे है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यानी कि सैलरी आपकी कम से कम नहीं भी होगी तो 45000 की लमसम आपकी सैलरी बन सकती है यहाँ पे। अथवा यहाँ पे आगे देखते हैं कि अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत के प्रमुख अ या आ के उत्तीर्ण हुआ होगा, अथवा अभियंता के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान में प्रशाखा अ और आ के समतुल्य। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ये अ और आ क्या है। तो ये जो आपका सिविल इंजीनियरिंग जिसका है, ये साफ साफ ध्यान दीजिएगा, वही कैंडिडेट्स को फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना उनकी डिग्री हो, बस AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए या तो डिम्ड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति अस्थाई या स्थापन रूप से परीक्षामान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपलब्धों का अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो वह इस रूप में नहीं होगा, जैसे कि अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य। और जो कि देखिए यहाँ पे जो वही कहा गया है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं इससे ऊपर वाले पोस्ट पे, वो कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हैं कहीं बाहर, प्राइवेट कंपनी में सिविल इंजीनियर हैं आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए आपकी इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 21 साल से लेकर 37 साल तक का उम्र सीमा दिया गया है, और जो भी कैटेगरी है SC ST और फीमेल कैटेगरी, उनको 40 से 42 साल तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो आरक्षण से लेकर रिलेटेड है वो बताई गई हैं कि हर कैटेगरी में कितना कितना छूट मिल सकता है आपको। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो विज्ञप्ति जो निकली है उसके पदों के हेतु सुयोग उम्मीदवार को चयन की परीक्षा के देने होंगे, यहाँ पे परीक्षा देना होगा आपको, और इसमें कम से कम आपका 40% पे जो पिछला वर्ग है उसका सिलेक्शन होगा, 36% पे जो होगा आपका अत्यंत पिछड़ा का, और 34% पे अनुसूचित जाति जनजाति का, और वहीं 32% जो है वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं, और विकलांगों के लिए भी है 32%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और लिखित परीक्षा होगी, 6 पत्र होंगे यहाँ पे, जिनमें कि 4 पत्र अनिवार्य हैं और 2 पत्र जो है आपके ऐच्छिक विषय होंगे, यानी कि वो आपको 2 पेपर अलग से देने होंगे। ठीक है, प्रथम 4 पत्र जो होंगे वो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से रिलेटेड होगा, और वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। और जो 2 ऐच्छिक पेपर होंगे आपके, वो पत्र भी आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में ही लिया जाएगा, जो कि आपके सिविल या यांत्रिक जो कि विद्युत के लिए है उसके लिए आप कर सकते हैं आवेदन, जिसके लिए आवेदन करेंगे जैसे सिविल के लिए है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा पर आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। वहाँ पे क्वेश्चन भी आपके, देखिए सारे की सारे मैं डिटेल बताऊंगा नीचे अभी यहाँ पे। ये देखिए सामान्य अंग्रेजी जो पहला 4 पेपर होगा आपका, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, और एक है आपका यहाँ पे नीचे आइए थोड़ा सा सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। तो ये 100-100 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का ये पेपर होगा, और 1-1 घंटे का ये पेपर होना है। ऐच्छिक पत्र भी आपका 1-1 घंटे का होगा, दोनों सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सारे के सारे, 200 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है,
अब थोड़ा नीचे आते हैं, आरक्षण के बारे में देखिए आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, आरक्षण जो क्या क्या चाहिए और प्रमाण पत्र कैसे बनवाने होंगे, कब तक के चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कैटेगरी से आते हैं तो उसका फ़ायदा तो मिलना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, डेट्स के बारे में। तो डेट्स और फीस के बारे में, तो डेट यहाँ पे क्या है, 19 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 2 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई जो है 5 अप्रैल तक कीजिएगा, 10 अप्रैल तक आपको किसी भी तरह अपने एप्लीकेशन को भर देना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आपका लिंक एक्टिवेट होता है बीपीएससी में, तब जाके आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन आज से कर दीजिएगा, आज रात में ही, तो कल रात तक आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेशन का वो ओपन हो जाएगा, लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप एप्लीकेशन भी अपना भर सकते हैं, जिसमें कि पर्सनल डिटेल और अपना क्वालिफिकेशन डिटेल सारा डाल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो 22 अप्रैल तक इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि होगी आपकी, यहाँ पे कहा जा रहा है डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर भरना चाहते हैं तो। अब देखिए फीस की हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो फीस है वो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए यहाँ पे 750 रुपये का रखा गया है, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 200 रुपये का चार्ज रखा गया है। देखिए अनारक्षित वर्ग जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 200 हैं और दिव्यांग जो है उनके लिए भी 200 रुपये का चार्ज रखा गया है, बाकी सभी के लिए यहाँ पे 750 रुपये का फीस चार्ज किया जाएगा। तो चलिए ये आपका फीस चार्ज के बारे में बता दिया मैंने, और जो भी डिटेल है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन भरने के बाद आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके बाद एप्लीकेशन को भरने का लिंक एक्टिवेट होगा, फिर आप उसको भी भर सकते हैं 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है सिविल के लिए। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, जी हाँ इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए, तो इसका भी सेम है यहाँ पे दोस्तों, कोई नहीं, इसको भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे इस पीडीएफ को और इसको भी एक बार रीड डाउन कर लेते हैं, कम से कम यहाँ पे पता तो चले कि यहाँ पे उसका एग्जाम कैसा होगा वो पैटर्न। बाकी सारी चीज़ें सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे जो सीट है दोस्तों, ये देखिए ये सीट है 33, ठीक है, यहाँ पे 33 सीट निकाली गई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो ये यहाँ पे भी इनका भी वेतनमान वही है सेम 5400 का। शैक्षणिक योग्यता जो है मैंने आपको बताई है कि आपका AICTE अप्रूव्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं जहाँ से, ओके। उसके बाद उम्र सीमा यहाँ भी 21 से लेकर 37 वर्ष तक है, जो कोटीवार हैं उनको अपना कोटी के अनुसार यानी कि कैटेगरी के अनुसार उनको छूट मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो भी एज इट इज़ होगा, 400 नंबर आपका जो अनिवार्य पत्र है वो देने होंगे और ऐच्छिक पत्र है उसके 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, जो सेम मैंने सिविल में बताया है। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें सेम है दोस्तों, कोई इसमें अलग नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच अलग है, बाकी जो फॉर्म भरने का सारा डेट और है टाइम सब कुछ सेम है। फीस भी यहाँ पे 750 रुपये लग रहे हैं आपके, और जो कैटेगरी में है उनको 200 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ये अपना एक कॉमन रखिएगा खुद का, ठीक है, ताकि वो दूसरों का ना आ पाए और यह साइबर कैफे का यूज़ ना हो पाए, तो आप अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा फॉर्म भरते समय, ये ध्यान रखिएगा। फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़ आपको मैंने बताया है इसमें कि 200x230 और 140x60 ये फ़ोटो और सिग्नेचर का क्रमशः यहाँ पे साइज है, तो इसी साइज़ में आपको फॉर्म भरना है और फोटो पे अपना डेट डालना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये क्योंकि बीपीएससी में अक्सर ये मांगता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो फॉर्म आप भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और कल मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको फॉर्म भर के बताऊंगा भी, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ देनी थी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट यहाँ पे होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में जाएं और वहाँ पे नीचे कमेंट करके पूछें, क्योंकि ये अभी की ताज़ा खबर है 19 मार्च की, ये संध्या को ये निकला है नोटिफिकेशन और इसका नोटिफिकेशन हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस फॉर्म को भर सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।